हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है, साइन एक्स हमारा हो और साइन माइनस एक्स हो, इनकी वैल्यू में संबंध क्या होता है। साइन एक्स और साइन माइनस एक्स, उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स हो जाएगा की वैल्यू में क्या संबंध होगा, और बाकी हम लोग उसके आगे टेन कॉट ये सब का कर लेंगे। तो साइन एक्स का मतलब कि साइन थीटा जो होता है हमारा लंब बटा कर्ण, जब एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव है, और ये कब है जब उतना ही एक्स है लेकिन क्या है नेगेटिव है, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में देखने जा रहे हैं कि हम लोग क्या जो है फार्मूला हमारा डेवलप होता है। तो उसके लिए हम अपना वही पुराना करते हैं कि जो एक जो है एकांक त्रिज्या का वृत्त हम लोग बना लेते हैं, एकांक त्रिज्या का वृत्त हम लोगों ने बना लिया, जिसका जो है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 इकाई है, और फिर हम लोगों ने इसके केंद्र को जो है मूल बिंदु मान के एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष ड्रा किया। ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और इस पे कोई पॉइंट पी हमारा हो गया, पी को यहाँ से हम लोग मिला दिए, और पी का जो है निर्देशांक ए कामा बी है अगर, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा ए, ये हमारा लेंथ बी, और ये हमारा क्या है एक्स रेडियन, और एक्स हमारा क्या है घड़ी की विपरीत दिशा में नापे हम लोग, इसीलिए एक्स क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग साइन एक्स यहाँ से देखें तो हमारा क्या होगा ये पता चल जाएगा यहाँ से। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि साइन माइनस एक्स, तो जितना हम लोग एक्स एंगल गए हैं यानी ये हमारा 1 इकाई है, तो ये हमारा जो चाप की लंबाई होगी ये क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 1 है, तो कोण अगर रेडियन में हो तो चाप हो जाएगा। तो अगर माइनस एक्स पे आप बनाना चाहते हैं कि माइनस एक्स, तो क्या करेंगे आप उतना ही चाप पे एक्स जो है यहाँ इस जो है घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, ये हमारा त्रिभुज बनेगा, ये हमारा किसके लिए होगा माइनस एक्स रेडियन के लिए होगा, ये हमारा माइनस, ये ए लेंथ है, ये जो ट्रेंगल हम लोगों का बन गया ये हमारा क्या है ये हमारा माइनस एक्स रेडियन वाला कोण बनाता हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात इससे मिलेगा ये, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में हम लोग कितने यूनिट है कितना कोण लिए हैं एक्स यूनिट। ठीक है, तो इसको पॉइंट हम लोग नाम दे देते हैं क्यू। तो अब पहला बात तो ये है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट यानी यहाँ से एक्स एच पे जब लंब डालेंगे तो ये क्या आएगा धनात्मक आएगा, तो या और धनात्मक में कितना ही होगा लेंथ ए जितना वहां पे था, और वाई एच पे हम लोग जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई एच पे परपेंडिकुलर तो जो हमारी ये दूरी है नेगेटिव वाई में मेजर करी जा रही है, और ये ट्रेंगल सेम होंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम होगी, लेकिन ये क्या होगा माइनस बी होगा। ठीक है, माइनस, और हम लोग जानते हैं किसी भी एंगल के लिए जो ट्रेंगल बनता है वो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का होता है वो क्या देता है कॉस एक्स की वैल्यू, और जो वाई कोऑर्डिनेट हमारा होता है वो साइन एक्स की वैल्यू। तो अगर पी पे बात किया जाए ए और बी को धनात्मक मानते हैं, तो कॉस एक्स हमारा क्या है कॉस एक्स की वैल्यू क्या है पी पे ए है, कॉस एक्स की वैल्यू ए है, और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स की वैल्यू जब माइनस एक्स कोण है तब भी क्या है हमारा ए है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर पी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें पी पॉइंट पे यानी कॉस एक्स की वैल्यू हमारी क्या है ए है, और साइन एक्स की वैल्यू हमारी क्या है बी है, ये पी पॉइंट के लिए हम लोगों ने पता किया, और क्यू पॉइंट हमारा क्या है जब एंगल हम लोगों का क्या हो गया माइनस एक्स हो गया, तब हम लोग किस पॉइंट पे पहुंच गए क्यू पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ पे, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है जितनी वहां पे थी धनात्मक उतनी ए जो था ए वही ए यहाँ पे भी है, और इसमें जो है चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ये इसके ये माइनस बी, क्योंकि ये जो लेंथ होगा ये बी होगा लेकिन ये निगेटिव में मेजर किया जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस बी। इसका मतलब ये समझ में आया ये समझ में आया हम लोगों को कि जो कॉस
माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, कॉस एक्स के ही बराबर होता है। ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हम लोगों ने जो है प्रूव कर दिया कि जो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स होती है, और जो साइन माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस बी, यानी बी की जगह पे हम लोग अगर साइन एक्स रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये हम लोगों को जो है अपना ये फार्मूला मिल गया कि कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे आपका पूछा जाए कि कॉस -45 की डिग्री क्या वैल्यू क्या होगी, तो आपका आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे, कॉस 45। लेकिन अगर पूछा जाए कि यहीं पे साइन -45 की डिग्री, तो ये क्या होगी वैल्यू, माइनस साइन 45। और हम लोग जानते हैं जो टेन एक्स होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करने से बनता है, तो साइन माइनस एक्स बटा कॉस माइनस एक्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टेन माइनस एक्स। इधर साइन बटा कॉस करेंगे, साइन माइनस एक्स बटा कॉस माइनस एक्स, तो टेन माइनस एक्स हो गया, और इधर डिवाइड करेंगे साइन बटा कॉस, और एक माइनस पहले से लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स। तो ये हम लोगों ने एक फार्मूला और जो है देख लिया कि इस टाइप की कहीं भी जरूरत पड़ेगी, कि बस हम लोग साइन और कास के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि साइन कास का अगर एक बार हमको सब कुछ पता चल गया तो टेन कॉट से कोसेक तो वहीं से निकला है। टेन हमारा क्या हो जाता है, साइन बटा कास हो जाता है, कॉट हमारा कास बटा साइन हो जाता है, और सेक कोसेक तो हमारे साइन कास के उल्टे हो जाते हैं। तो ये फार्मूला हम लोगों ने देख लिया कि कॉस माइनस एक्स कहीं पे आएगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और टेन भी ये हो जाएगा, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। अब हम लोगों का जो अगला पॉइंट हम लोगों को देखना है कि जो त्रिकोणमितीय फलन है हमारे, जो साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इनका जो प्रांत और परिसर क्या है। तो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हल्का सा हम लोग फंक्शन की जो डिफिनेशन है इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये त्रिकोणमितीय फंक्शन जो हम लोग इसको बोल रहे हैं फलन, इसका क्या मतलब हुआ। हम लोग जो है फलन का मतलब क्या जानते हैं, फंक्शन का हम लोगों ने मशीन मॉडल पढ़ा था कि ये हमारा फंक्शन क्या होता है, एक मशीन जैसा वर्क करता है। ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मशीन मॉडल होता है इसका। ये हमारा क्या हो गया, फलन हो गया, ये मशीन है, ठीक है, ये कोई मशीन है। इसमें आप क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं तो क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। इनपुट डालें और आउटपुट निकलता है, ये फंक्शन का हमारा मशीन मॉडल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन की जो डिफिनेशन होती है, इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। जो इनपुट होता है, कौन कौन से इनपुट आप डाल सकते हैं, तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रांत। और जो जो आउटपुट उस मशीन से आ सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ये पहली बात हो गई कि प्रांत और परिसर हमारा, कि जो इनपुट आप डाल सकते हैं वो प्रांत हो गया, जो आउटपुट आएगा वो सेट पूरा वो हमारा परिसर हो जाएगा। और एक डिफिनेशन, एक और कंप्लीट डिफिनेशन तब होगी जब हर इनपुट पे आउटपुट आना चाहिए। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें कि
कि प्रत्येक फलन के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक इनपुट पर आउटपुट होना चाहिए। यानी मशीन हमारी कैसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि इनपुट तो ले रहा है और आउटपुट नहीं दे रहा है, तो प्रत्येक इनपुट पे आउटपुट होना चाहिए, पहली बात हो गई। और प्रत्येक इनपुट पर केवल और केवल प्रत्येक इनपुट पे केवल और केवल एक आउटपुट होना चाहिए। ये हमारा ये जो दो पॉइंट को मिला के भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे दोनों हमने अलग कर दिया कि हर इनपुट पे आउटपुट होना चाहिए। यानी आप मशीन के अंदर ऐसा इनपुट नहीं डाल सकते जो आउटपुट मिले ही नहीं, वो आपके इनपुट में यानी प्रांत में वो नहीं होगा, ठीक है। और हर इनपुट पे क्या होना चाहिए, आउटपुट, और ऐसा नहीं कि एक ही इनपुट डाल रहे हैं और दो आउटपुट निकल रहा है, एक और केवल एक आउटपुट होना चाहिए। ये हमारा फलन का डिफिनेशन हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये त्रिकोणमितीय, जो त्रिकोणमिति है ये कैसे फलन हो गया, ये हो गया। ये हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये मशीन है, ये हमारा क्या है, साइन साइन, ठीक है। ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट। अब इसमें जो है साइन मशीन में हम लोग क्या इनपुट डालते हैं, कोण। इनपुट हमारा क्या रहेगा, कोण रहेगा, ठीक है। और आउटपुट हमारा क्या रहेगा, साइन एक्स का मान रहेगा। तो इनपुट कोण रहेगा, मतलब साइन साइन हमारा क्या करेगा, साइन एक ऐसा मशीन है कि ये क्या करता है, किसी भी कोण का जब इनपुट आप डालते हैं तो साइन मशीन क्या काम करता है, ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी कोण, जो मशीन का जो काम क्या है ये हम बता रहे हैं, साइन मशीन का, किसी कोण जो इनपुट है डाला जाता है, जो इनपुट आप डालते हैं, किसी कोण जो इनपुट है डाला जाता है के कोण का समकोण त्रिभुज में लंब बटा कर्ण के अनुपात का मान बताता है। समझ रहे हैं आप, साइन साइन मशीन क्या करता है, आप कोई कोई इनपुट आप डाल दिए, जैसे साइन मशीन में 30 डिग्री, साइन मशीन में आप इनपुट क्या डाल दिए, 30 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री में हो गया, रेडियन रेडियन डिग्री, दोनों जो है रेडियन में देखें या डिग्री में, कुल मिला के उससे फर्क नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल इनपुट हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री। तो ये साइन मशीन क्या करेगा, साइन मशीन तुरंत ही क्या करेगा आपका, इसका क्या काम है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा जिसका एक कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा, आके 90 होगा। 30 के आधार पे हमारा जो है ये जो है 30 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार, और इसमें जो लंब बटा कर्ण का जो अनुपात आएगा वही वैल्यू सीधा सीधा ये तुरंत ही बता देगा, और ये वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो ये साइन मशीन का हमारा पूरा फंक्शन हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हम लोग बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाले हैं उसमें आप कोई भी एक एंगल आप पुट करोगे इनपुट, तो तुरंत ही मशीन क्या करेगा, आउटपुट दे देगा उसी एंगल के समकोण त्रिभुज का जो है भुजा का रेशियो। डिपेंड करता है कि साइन है अगर तो कर्ण बटा लंब बटा कर्ण बताएगा, कॉस होता तो आधार बटा कर्ण, टैन होता तो लंब बटा आधार। तो इसीलिए हमारा ये जो त्रिकोणमितीय होता है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट से कोसेक, ये फलन की तरीके से काम करता है, क्योंकि हर एक इनपुट एंगल के लिए एक हमारा आउटपुट वैल्यू होता है, ऐसा कोई जो है वही हर इनपुट पे और एक आउटपुट होता है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाता है, त्रिकोणमितीय फलन। तो
तो ये हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा फलन की जो डिफिनीशन है उसको रिवाइज कर लिया। तो फलन का मशीन मॉडल क्या कहता है कि ये फंक्शन है, इसमें इनपुट डालोगे आउटपुट, और इनपुट का जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांत, और जो आउटपुट का सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, परिसर। यानी किसी फलन के लिए जो संभावित इनपुट हो सकते हैं वो उसका क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। यानी किसी मशीन में क्या क्या आप इनपुट डाल सकते हो, किस किस इनपुट के लिए वो आउटपुट दे रहा है, और उस इनपुट के सापेक्ष आउटपुट जितने आ रहे हैं उन सबका जो समूह होगा, समुच्चय होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिसर बोलेंगे। तो हम लोग अब क्या जानना चाहते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांतियों परिसर, यानी साइन कॉस, ये सब जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, साइन एक्स कॉस एक्स, इन सबका हम प्रांत और परिसर जानना चाहते हैं। तो एक एक करके हम लोग सिंपली, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, बस हमको रिवाइज ही करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, अब फलन के तरीके से हम लोग लिखते हैं। फलन हमारा क्या होता है, जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हम लोग फलन लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक्स क्या होता है, ये हमारा क्या रहता है, ये इनपुट रहता है, और जो वाई हमारा आता है वो हमारा क्या रहता है, आउटपुट रहता है। तो वाई इक्वल टू सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, साइन एक्स फलन हम लोग लेते हैं। साइन एक्स हमारा, एक्स क्या है, ये इनपुट रहेगा, एक्स हमारा क्या है, ये एक्स इनपुट है, जो क्या है, ये कोण है, ठीक है। और जो अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, ये कोण जो इनपुट लेगा ये हम लोग रेडियन में रखेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको ग्राफ भी बनाना है, और हम लोग जानते हैं कि जो रेडियन कोण होता है इसको वास्तविक संख्याओं के बराबर भी माना जा सकता है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो कोण हम लोग इसमें रखेंगे, ये हमारा इनपुट कोण किसमें रहेगा, रेडियन में रहेगा, और ये वाई क्या रहेगा हमारा, ये आउटपुट रहेगा। अब हम लोग जानना चाहते हैं एक्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, और वाई हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो साइन एक्स का फलन है इसका प्रांत और परिसर क्या होगा, यानी इसमें इनपुट आप कौन कौन से कोण रख सकते हैं। साइन एक्स में आप इनपुट जो है किन किन कोणों के लिए साइन एक्स की वैल्यू मिलती है, तो आप ये देखिए कि जब हम लोग ये जो है फिर से बना लेते हैं, ये जो यूनिट जो है रेडियस का, जो हम लोगों ने ये वृत्त बनाया था, एकांक त्रिज्या का वृत्त, पॉइंट पी, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये एक्स रेडियन हम लोग मानते हैं कोण, और ये एक इकाई, ए बी, ये लेंथ हमारा हो गया ए, ये लेंथ हमारा हो गया बी। और जो अगर कॉस थीटा हम लोग, यानी कॉस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार हमारा कितना है ए, और कर्ण कितना है वन, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो कॉस एक्स बराबर हमारा सीधा ए हो गया, साइन एक्स बराबर हमारा क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा वन है, तो साइन एक्स बराबर लंब हमारा क्या है, बी है, तो साइन एक्स बराबर बी। यानी ये जो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट, हम बार बार बताते हैं आपको कि ये किसकी वैल्यू बता रहा है, कॉस एक्स की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू। यानी जो पॉइंट पी का निर्देशांक, जो वाई निर्देशांक होगा, ये हमारा किसकी वैल्यू बता रहा है, आउटपुट की वैल्यू, कि इस कोण के लिए जो है साइन एक्स का मान क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर प्रांत की बात करें, यानी इनपुट हम लोग साइन एक्स में क्या रख सकते हैं, तो साइन एक्स में तो आप इनपुट कुछ भी रखो, सभी एक्स के लिए डिफाइन है। यानी साइन एक्स के लिए हम लोग जो एक्स होगा, एक्स ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा,
क्योंकि जो रेडियन को वास्तविक संख्याओं के सापेक्ष हम लोग मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, तो इसमें यानी एक्स जो है कितना भी रेडियन आप रखो, ये इनपुट इनपुट साइन एक्स में रखोगे तो आउटपुट जरूर देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक्स के लिए साइन एक्स अपरिभाषित हो जाए। तो एक्स हमारा क्या हो गया, जो इनपुट हो गया, ये हमारा इनपुट यानी जो प्रांत हमारा हो गया साइन एक्स का, ये क्या हो गया, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग परिसर निकालना चाहते हैं। परिसर का मतलब कि हम साइन एक्स की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगी। तो साइन थीटा जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो देखिए आपको दो तरीके से दिखाएंगे। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और हम लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज में जो होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्यों होगी, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होगा, बाकी सब 90 से कम होंगे। तो कर्ण हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी कभी भी आप जब साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, साइन एक्स की वैल्यू लंब बटा कर्ण, तो लंब की लंबाई क्या होगी, छोटी होगी, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। जैसे ऊपर अगर आपका 5 है, तो नीचे क्या हो गया, 5 से बड़ी संख्या, जैसे 6 7, तो जब भाग करोगे आप तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम ही आएगी। बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या में भाग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। और यहां से भी हम लोग देखते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट है, जो बी बी ही हमारा तो साइन एक्स बता रहा है, और ये वाई कोऑर्डिनेट जो है, ये जो हम लोग देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे हमारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0। तो y कोऑर्डिनेट अधिकतम देखिए कहाँ तक जा रहा है, 0 1 0 -1, यानी इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में ही हमेशा रहती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में ही साइन एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण है, एक्स जब ऋणात्मक होगा तो वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी उसी, लेकिन जब धनात्मक होगा तो हमेशा ये फार्मूला तो यही रहेगा आपका, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करोगे, वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, और 1 से छोटी आएगी तो नेगेटिव जब होगा तो वो -1 से बड़ी हो जाएगी। तो जो साइन एक्स का जो हमारा परिसर हो जाएगा, जो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, ये क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 के बराबर भी हो जाती है कहीं कहीं, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा 3π/2 के लिए -1 के इक्वल हो जाता है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू हो गई, -1 से बड़ी होगी, उसके बराबर भी हो सकती है, और 1 से हमेशा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा लिखने का तरीका है इसी बात को, कि साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 के इक्वल भी हो सकती है और हमेशा -1 से बड़ी होगी, ठीक है। और अगर जो है नंबर लाइन पे देखें, तो ये हमारा अगर 0 है तो ये -1 है और ये हमारा 1 है। तो -1 से बड़ी का मतलब राइट साइड में जाते हैं किसी संख्या के, तो आपको बड़ी संख्या मिलती है। तो ये सारे वैल्यू हमको मिलेंगे केवल साइन एक्स के लिए। यानी इसका अगर परिसर पूछा जाए तो क्या हो गया, ये -1 से 1, तो ये साइन एक्स की वैल्यू ये क्या होगी, परिसर -1 से 1। और -1 और 1 पे हम क्या रखेंगे, बिग ब्रेकेट रखेंगे, क्योंकि -1 और 1 वैल्यू भी हमारी आ रही है। तो ये परिसर हमारा हो गया यानी y बिलोंग टू -1 to 1। तो साइन एक्स का हम लोग अगर लिखें सीधा सीधा तो क्या हो गया, साइन एक्स का जो प्रांत हो गया x, ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जो परिसर हो गया हमारा y, ये -1 से 1। ये पहला हम लोगों ने देखा, जो साइन एक्स का प्रांत और परिसर। कॉस एक्स का भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। कॉस एक्स हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी तो देखिए 1 से बड़ा नहीं हो रहा है और -1 से छोटा नहीं हो रहा है, और कॉस एक्स भी सभी एक्स के लिए डिफाइन है, तो कॉस एक्स का भी प्रांत और परिसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोग साइड में लिख देते हैं, इसको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
कॉस थीटा भी हमारा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस एक्स बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमेशा जो है कर्ण बड़ा होगा तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है। तो कॉस एक्स का जो प्रांत हो गया ये क्या हो गया, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जो परिसर वाई हो गया ये भी क्या है -1 से 1, और -1 और 1 हमारा क्या है पॉइंट इंक्लूड है। ये हमारा हो गया ये फंक्शन साइन एक्स का प्रांत और परिसर हम लोगों ने देख लिया, और कॉस एक्स का प्रांत और परिसर। अच्छा एक पॉइंट यही पे हम लोग और देखते हैं कि जो आगे हम लोगों को जिससे ग्राफ बनाने में मदद मिलेगी कि साइन एक्स की वैल्यू जब एक्स एंगल 0 है तो साइन एक्स हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है वैल्यू 0 है, यानी पहले क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती चली जाती है। साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से घटनी शुरू हो जाती है और कहाँ पहुंच जाती है 0 पे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से और घटनी शुरू हो जाती है कहाँ पहुंच जाती है -1, और फिर क्या हो जाता है -1 से चौथे क्वाड्रेंट में बढ़ के 0 हो जाता है। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, जो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में इन सभी पॉइंटों का यूज होगा।